क्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर ये कस्बा चौकी बल जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर आबाद है। इसकी आबादी इस वक्त 20,000 से तजावज कर चुकी है। तारीख के पस मंजर में इस कस्बा की काफ़ी अहमियत है, लेकिन चक खानदान के दौर में एक कस्बा दारुल खिलाफा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता का जीता जागता सबूत देखना हो तो आप त्रहगाम की का चश्मा देखें। मगरबी सिमत मुँह खड़ा करके धानी जाने जामे मस्जिद नजर आएगी और बाई तरफ एक मंदिर और इनके बीचों बीच कुदरत के दस्तावन का सजा सजाया हुआ चश्मा त्रहगाम। हजारों साल बीत गए, त्रहगाम के मुसलमान अपनी अक्सरियत के सहारे इसी मंदिर की हिफाजत करते रहे और हजारों बरस बीत गए, यहाँ के हिंदू और पंडित इस मस्जिद को अकीदत की नगाह से देखते रहे। चश्मा जिसके तकद्दस का हम जिक्र कर रहे हैं, कश्मीर में चक सल्तनत के वक्त मदनी चक की देख रेख से वजूद में आया। चक बसान ये बसान चक पोरा तथा जमानस मेम मतलब बाज मतलब किंगडम लकड़ मकड़ किंगडम ये लूकन हम फैसल गाँव वन यप मस्जिद मस्जिद साइड बैक साइड तथा शेरगढ़ वन तुम मतलब बहवान अदालत लगान लूकन सुनवाई गत बोजान वगैरह। त्रहगाम छोटे छोटे 30 गांव पे मुश्तमिल है जिसने बड़ी बड़ी शख्सियत को जन्म दिया, जिनमें चंद एक का जिक्र किया गया है। ये वो गांव है जो शहीद आजम मोहम्मद मकबूल भट्ट की जन्मभूमि है। जब हम श्रीनगर से दिल्ली गए, वालदा थी, बहन थी, मैं था और बड़े भाई जलगुरान भी शहीद भी थे। चूँकि ऐलान हुआ था इसको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया था, वाट्सअप को मुआतरे का अगवा हो गया था तब जो लंदन में हुआ था। तो जब हम मिलने गए तो हमें मुलाकात दी, तो जिस कमरे में हम गए जिधर वो मुलाकात कमरा है तो उसमें बिल्कुल मैं चूँकि छोटा था मुझे याद है मेरी उंगलियां जाती थी और वाट्सअप आगे हाथ रखता था। मैंने वाट्सअप को देखा, ये बेड़ी यहाँ भी पहनी हुई थी, वो गोल जो आप अक्सर बेशतर फिल्मों में देखते हैं लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है इधर वो पहना था ये टांग में। अब लेकिन बट साहब ने जो चादर लपेटी थी इससे हमें महसूस ये नहीं हुआ। अब मैं जब गोद में बैठ गया तो मैंने तो सारा देख लिया। ٲسۍ گژھان کَران بَڑٕ شاہ سَمبر وۄنۍ چھُ زوٗنمُت اَکہِ دۄہ آسان سُہ زِن لنٛگ اوس پَتہٕ زوٗن حظ سُہ مَحل تہِ پَتہٕ کٔرِو أمۍ کوٚرُکھ آرڈَر تِم یِم تہِ یِمَن جوان چھِ یِم کٔرِو سا خطرٕ